प्रधानमंत्री के पास। नमस्कार, इस समय मौजूद हम सरकारी अस्पताल पलवल की मोर्चरी के पास। आज कोरोना से संक्रमित दो शव आए हैं, दोनों ही एजिड हैं, एक दिल्ली से है और दूसरा गुड़गांव से। एक की डेथ गुरु नानक अस्पताल पलवल में हुई है तो एक की डेथ एपेक्स अस्पताल पलवल में। दिल्ली के पेशेंट से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि पेशेंट के परिजनों से तो उन्होंने बताया कि दिल्ली में बेड ना मिलने के कारण पलवल लाए थे हम इलाज के लिए, दो दिन पहले लाए और एक दिन में बाद उनकी डेथ भी हो गई। आज उनके शव को उनके परिजन ले जा रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है जब परिजनों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना को हल्के में ना लिया जाए, कोरोना एक संक्रमित जो रोग है वो बड़ा ख़तरनाक है। दूसरी जो लहर है वो और भी ज़्यादा खतरनाक है पहली लहर से। इस समय दूसरी लहर चरम सीमा पर है। दिल्ली में अस्पतालों में बेड नहीं है। और नमस्कार जी, ये आप देख रहे हैं कि दो शव पलवल में आए हैं, जा भी रहे, परिजन ले जा रहे हैं। क्या कहेंगे, आज कोरोना की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, अपनों से भी बिछड़ना पड़ रहा है लोगों को। मैं तो यही कहूँगा कि कोरोना को हल्के में ना लें, ये बहुत भयंकर रूप ले लिया है इसने दूसरा जो इसकी लहर चल रही है कोरोना की। और इसमें घबराने की भी जरूरत नहीं है, बस सिर्फ सावधानी की जरूरत है। हमें डट के मुकाबला भी करना है, ऐसा नहीं कि भाई कोरोना के नाम पे ही लोग घबरा रहे हैं क्यों कर रहे हैं। हमें इसका मुकाबला करना है और हमें जो सरकार के दिए हुए निर्देश हैं हमें उसकी भी पालना करनी है। और अपने तौर पर भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है। और जो चीज़ें बता रखी हैं कि भाई इसमें अगर मान लो किसी को लगता है कि भाई खांसी जुकाम बुखार या किसी तरह की भी शरीर में कोई दिक्कत लगती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, चेकअप कराएं, उसके घर पे भी इलाज हो जाते हैं। भाप वगैरह लें, अपने गर्म जो चीज़ें बता रखी हैं गरारे के लिए उसको करें। तो ये है इसमें। बाकी एक चीज़ और मैं मानता हूँ कि कोरोना से ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है वो सरकार ने कोई फैसिलिटी इस तरह की नहीं है जैसे हमारे पलवल के अंदर ही। बताओ ऑक्सीजन क्या हो, ऑपरेटर तक नहीं है यहाँ, ऑक्सीजन के लिए बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। इसमें जब लोगों को सांस घुटता है, दिक्कत होती है, तो उसके लिए हम यहाँ से नल्लड़ रेफ़र कराते हैं। और नल्लड़ में जाके इतना ज़बरदस्त वहाँ पे कोरोना के पेशेंट वहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ भी दिक्कतें आती हैं। तो हम तो सरकार से भी अपील करेंगे कि कम से कम ऐसी इस टाइम पर हॉस्पिटलों के अंदर सारी सुविधाएँ मौजूद हों और जो कोरोना पेशेंट आ रहे हैं उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए। कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं, ये भी सब जानते हैं, एकदम से बड़े हैं कोरोना पेशेंट। सावधानी लोगों को खुद अपनी करनी पड़ेगी, दो गज की दूरी, मास्क का जरूरी, ये भी पालन करना होगा। बाज़ारों में भीड़ है, शाम को 6 बजे के बाद बाज़ार बंद हो जाने चाहिए, वो भी खुले हुए हैं, लोग परवाह ही नहीं करते इस चीज़ की। बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूँ कि लोगों की भी ये लापरवाही है कि लोग इस बीमारी को देखते हुए हमें अपने आप पर अब काबू करना है, क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो करना पड़ेगा। और फिर उससे बड़ी बात यह है कि अगर मान लो हमें थोड़ा लगता है भाई बाज़ार जाना है, किसी इमरजेंसी में हमें ज़रूरत है तो तब हम निकले। अगर हम बाज़ार भी जाएं तो मास्क वगैरह लगा के जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और उस दुकान से सामान लें जिसके पास दस्ताने वगैरह हाथ में हो, मास्क लगा हुआ हो, और वहाँ भी दुकान को देख के उस फैसिलिटी के हिसाब से ही लिया जाए। हमारे बीच में रणधीर हिंदुस्तानी हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, हालांकि ये सामाजिक कार्यकर्ता अधिक हैं, पहले हैं पार्टी से, राजनीतिक पार्टी से बाद में जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तानी जी, जो कोरोना के पेशेंट कल 3 आए थे, आज 2 पेशेंट हैं जो कोरोना की वजह से डेथ हुई है। सावधानी भी बहुत ज़रूरी है। क्या कहेंगे कि पलवल का प्रशासन जो है सख्ती की पालना नहीं करा पा रहा है? नहीं, देखिए सख्ती की पालना प्रशासन तो अपनी तरफ से कोशिश कर भी रहा है लेकिन फिर भी पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें खुद ही समझदार होना होगा कि जब तक हम खुद नहीं करें, प्रशासन में कोई पुलिस वाला है या कोई प्रशासन वाला है, हर मार्केट हर गली हर घर में तो जा नहीं सकता। हर मार्केट में कल शाम को जब 6 बजे मार्केट बंद कराने के आदेश थे तो बहुत से लोगों ने कानून का पालन किया, बहुत से लोगों की दुकान। तो हमें खुद भी इस चीज़ में सचेत रहना है कि अगर बीमारी से बचना है तो कम से कम कानूनों का तो पालना करें या जो नियम है उनका पालना करें। जैसे अभी यूनिस भाई ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा एसी वगैरह से बचाव करें, अभी ठंडी जगह से बचाव करें, गर्म जितने खाने पीने की इम्यूनिटी सही रखेंगे तो बचाव हो सकता है।
बाकी प्रशासन तो अपनी तरफ से लगा हुआ है, और अगर यही हाल रहे तो इससे भी बुरे हालत हो जाएगा अगर लोग नहीं समझेंगे तो। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रशासन डंडे मारे, डंडे बरसाए, ऐसा नहीं, हमारा ऐसा इरादा नहीं है। लेकिन हमने अक्सर देखा है कोई भी नियम कायदा हो उसको पूरा का अमल कराने के लिए भी थोड़ा बहुत कहना पड़ता है प्रशासन को। प्रशासन का एक बच्चा होता है स्कूल में, टीचर से डर लगता है उसको, हमने मम्मी पापा से भी डर नहीं लगता, सेम कंडीशन वही है, यही है। तो प्रशासन को क्या करना चाहिए? प्रशासन को सख्ती करनी चाहिए हमारे हिसाब से। तो प्रशासन को ये सख्ती करनी चाहिए कि एक तो चालान, उसके अलावा वैसे भी सख्ती होनी चाहिए पुलिस की और उसकी भी, एक भाई जो नियमों का पालन नहीं कर रहे चाहे उनके चालान काटें, उनके सख्ती, उनके खिलाफ सख्ती करें, मुकदमा दर्ज करें। और बाकी प्रशासन तो शुरू से ही ढीला रहता ही है मेरे ख्याल से, सरकार में ये हाल आज की बात थोड़ी है, ये शुरू से ही चला रहा है। हमारे साथ करुणामयी संस्था से ये मनोज छावड़ा जी हैं। मनोज जी, आज भी मैंने कल भी देखा था आपको यहाँ मोर्चरी के बाहर थे, आज भी ये जो दो पेशेंट है, एक दिल्ली से एक गुड़गांव से, सुबह 8 बजे से इनको बुला रखा है प्रशासन ने, जिला अस्पताल, नागरी अस्पताल ने, उनको बॉडी तक नहीं दी अभी तक। अब भी बॉडी अभी मिल रही है? अभी नहीं मिली, ये आपकी जानकारी के लिए बॉडी मिल रही है, अभी नहीं मिली। अभी नगर परिषद के कर्मचारी नहीं आए हैं, एम्बुलेंस के ड्राइवर नहीं आए हैं, दो भाई बहन सुबह से धक्के खा रहे हैं। मैं समझोगे, मेरी छोटी बहन है एक तरीके से, मैं देख रहा हूँ उनकी परेशानी कि कितना परेशान है वो। उनके पिताजी का देहांत हुआ है और इस टाइम ना वो भावुकता ही ख़त्म हो गई है। पता नहीं हमारे देश में हुआ क्या, जो हो रहा था 70 सालों से बहुत अच्छा चल रहा था, वो सारा कुछ अचानक ख़त्म हो गया। यानी संवेदनशीलता कह रहे हैं आप, भावुकता? संवेदनशीलता बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। अब देखिए, दो शव हैं, परिजन खड़े हैं, कुछ हो नहीं रहा किसी प्रकार का। अभी आप देखिएगा 15-20 मिनट बाद देखिएगा तो भी हम जैसे ही, आपके जैसे ही, जो आप हमारे साथ प्रतिबद्ध हैं हर जगह, तो आप जैसे लोग ही इनका संस्कार में आगे आएंगे बढ़ चढ़ के। ये दिल्ली से एक शव है, गुड़गांव से, उनके परिजन गुड़गांव से आए हैं, दिल्ली से आए हैं। हमारे हिंदू परंपराओं में शव का संस्कार जब किया जाता है, चौथे दिन उसके फूल भी चुने जाते हैं, अस्थियों के फूल जिसको कहते हैं। बड़ी दिक्कत आएगी इनको। आपकी संस्था करोड़ों में संस्था है, उसमें क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि उनके फूल भी आप चुने? हाँ, और इनके परिजनों को बात मैंने आज फोन कर दिया उनको, जो मोर्चरी पोस्टमार्टम रूम के डॉक्टर हैं, हेड इंचार्ज हैं, उनको मैंने फ़ोन कर दिया। मैंने कहा मेरा नंबर सेव कर लीजिए, हमारी टीम का किसी का भी नंबर सेव कर लीजिए, उनके फूल चुनने के लिए हम आ जाया करेंगे। और परिजनों को जब भी नंबर लेना हो, फूल लेने हो, कभी भी आ सकते हैं, 2 दिन में 3 दिन में 3 महीने में कभी भी आ सकते हैं। नहीं, जैसे लावारिशों का संस्कार करते हैं, फिर फूल भी चुनते हैं, उसको पोटली में बंद करके रखते भी हैं, फिर हरिद्वार प्रभावित भी करते हैं। इस बीच किसी का परिजन आ जाता है तो आप उसके फूल उनको सौंप देते हैं। ऐसा ही मेरा अनुरोध आपसे ये है कि जो बाहर के लोग हैं, कम से कम अगर चौथे दिन नहीं आ सकते हैं, इनका भी विधिवत तरीके से गंगा जल वगैरह जो भी अपना हिंदू रीति रिवाज होता विधिवत रूप। और हाँ, आपकी अपनी बात ही काट रहा हूँ, हिंदू का हिंदू रीति से होगा, मुस्लिम का मुस्लिम रीति से होगा, पूरा विधिवत अंतिम संस्कार होगा। हमारे साथ मुस्लिम समाज से यूनुस अहमद जी हैं। यूनुस अहमद जी, आपके पास प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं आप अपने मुस्लिम सभा के, जैसे कि मैंने इनसे करुणामयी संस्था से कहा है, मुस्लिम समाज से कोई भी कोरोना पीड़ित होता है, संक्रमित होकर अगर मौत भी होती है, तो देखो जिंदगी और मौत किसी के हाथ में नहीं है, तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। मुस्लिम समाज से अगर कोई बाहर का व्यक्ति गुजरता है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आपकी सभा उसके जो कर्म हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे मिट्टी दाग देना है, जैसे कब्र में देना उनको, उनकी मिट्टी का क्या कहते हैं उसको शब्द आप बता सकते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि देखो हम इस बारे में जानकारी नहीं रखते, लेकिन आप उस कार्य को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। भूटानी जी, कल मेरे पास मैसेज आया था, कल 3 डेड बॉडियाँ थी यहाँ परवल सिविल हॉस्पिटल में, तो एक परिवार के दिल्ली से कुछ आए हुए थे, उनके परिवार के लोग जिनकी डेड बॉडी थी, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी डेड बॉडी दिला दें, और मुस्लिम थे वो जिनकी डेड बॉडी आई थी। तो जब हमें पता चला तो हमने प्रशासन से बात की, SDM साहब वगैरह से बात की, उसके बाद में हमने अपना जो मुस्लिम समाज का रीति रिवाज है, इस तरह से ही हमने कब्रिस्तान के अंदर पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन बाद में हमें पता चला कि वो डेड बॉडी उन परिवार वालों को दे दी थी, जबकि हमने सारा इंतजाम कर लिया था। बिल्कुल, जब इंतकाल हो जाता है तो उस दौरान उसके बाद जो मिट्टी देनी होती है वो आप कर सकते हैं अच्छी तरीके से। बिल्कुल, हमने पूरी तैयारी अपनी संस्था की तरफ से हमने की हुई है। कोई भी अगर इस तरह का मुस्लिम आता है तो हमने हॉस्पिटल में भी, कमेटी में भी, किरसन है, एक दूसरा जेई है, अमित नाम बताया था,
उन दोनों को बाकायदा मैंने नंबर लिखवा रखा है वहाँ पे, और हमने अपने कब्रिस्तान का जो हमारा खसरा नंबर है वो भी हमने वहाँ पे नोट करा रखा है कि भाई इस कब्रिस्तान के अंदर हमारे यहाँ दो कब्रिस्तान है, एक नूह रोड पे है और एक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के यहाँ। नूह रोड वाला जो कब्रिस्तान है वो स्पेशल हमने कोविड-19 के लिए, हमने जो भी मुस्लिम समाज के जो लोग आएंगे उनके दफनाने की व्यवस्था हमने पूरी वहाँ की हुई है, JCB से करें वैसे करें उसी रीति रिवाज से हम करेंगे इसको। तो जैसा कि आपने देखा दो शव आज आए हैं, कल तीन शव आए थे कोरोना संक्रमित, स्थिति भयावह ना हो इसके लिए आपको खुद प्रयास करने होंगे, अपनी सेफ्टी खुद करनी होगी, दो गज की दूरी मास्क है जरूरी इसकी पालना करनी होगी, सैनिटाइजर से लगातार बार बार हाथ भी धोते रहना चाहिए। और ये शव जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल जो शव का संस्कार करने के लिए ले जाया जा रहा है उसको आप देख सकते हैं पूरी तरह से बॉडी पैक्ड है। ये कोरोना काल में इस प्रकार से जब शव का पूरी तरह से पैक करके परिजनों को भी नहीं सौंपा जाता, परिजन सिर्फ शामिल हो सकते हैं संस्कार में, और ये सामाजिक संस्था के लोग हैं, करोड़ों संस्था के अध्यक्ष मनोज छाबड़ा और रणधीर हिंदुस्तानी ये भी सहयोग कर रहे हैं, इस शवों का जो अंतिम गति देनी होती है, अंतिम संस्कार करना होता है उसमें सहयोग करते हैं, एम्बुलेंस में शव को रखवा रहे हैं, शव भारी हो सकता है इसलिए इसमें चढ़ाने में दिक्कत भी हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें जो शव है कोरोना का जो संक्रमित होता है उसमें काफ़ी लोग अधिक लोग हिस्सा नहीं लेते हैं क्योंकि प्रिकॉशंस गाइडलाइंस की भी पालना करनी होती है। एक बार फिर से बता दूं मैं आपको, अपना बचाव आपने खुद करना है, दो गज की दूरी मास्क है जरूरी इसकी पालना करनी है, बाजारों में भीड़ बिल्कुल नहीं लगानी है, आवश्यकता हो तो घर से बाहर निकलें अन्यथा बाहर ना निकलें क्योंकि कोरोना की जो दूसरी लहर है वो काफ़ी घातक साबित हो रही है। ज्योति खंडेलवाल के साथ मैं सतीश भूटानी, नागरिक अस्पताल पलवल की मोर्चरी से। नमस्कार, इस समय मौजूद हम सरकारी अस्पताल पलवल की मोर्चरी के पास, आज कोरोना से संक्रमित दो शव आए हैं, दोनों ही एजिड हैं, एक दिल्ली से है और दूसरा गुड़गांव से, एक की डेथ गुरु नानक अस्पताल पलवल में हुई है तो एक की डेथ एपेक्स अस्पताल पलवल में। दिल्ली के पेशेंट से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि पेशेंट के परिजनों से तो उन्होंने बताया कि दिल्ली में बेड ना मिलने के कारण पलवल लाए थे हम इलाज के लिए, दो दिन पहले लाए और एक दिन में बाद उनकी डेथ भी हो गई, आज उनके शव को उनके परिजन ले जा रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है जब परिजनों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना को हल्के में ना लिया जाए, कोरोना एक संक्रमित जो रोग है वो बड़ा खतरनाक है, दूसरी जो लहर है वो और भी ज़्यादा खतरनाक है पहली लहर से, इस समय दूसरी लहर चरम सीमा पर है। दिल्ली में अस्पतालों में बेड नहीं है, और नमस्कार जी, ये आप देख रहे हैं कि दो शव पलवल में आए हैं, जा भी रहे परिजन ले जा रहे हैं, क्या कहेंगे, आज कोरोना की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, अपनों से भी बिछड़ना पड़ रहा है लोगों को। मैं तो यही कहूँगा कि कोरोना को हल्के में ना लें, ये बहुत भयंकर रूप ले लिया है इसने दूसरा जो इसकी लहर चल रही है कोरोना की, और इसमें घबराने की भी जरूरत नहीं है, वैसे सिर्फ सावधानी की जरूरत है, हमें डट के मुकाबला भी करना है, ऐसा नहीं कि भाई कोरोना के नाम पे ही लोग घबरा रहे हैं क्यों कर रहे हैं, हमें इसका मुकाबला करना है और हमें जो सरकार के दिए हुए निर्देश हैं हमें उसकी भी पालना करनी है, और अपने तौर पर भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है, और जो चीज़ें बता रखी हैं कि भाई इसमें अगर मान लो किसी को लगता है कि भाई खांसी जुखाम बुखार या किसी तरह की भी शरीर में कोई दिक्कत लगती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, चेकअप कराएं, उसके घर पे भी इलाज हो जाते हैं, भाप वगैरह लें, अपने गर्म जो चीज़ें बता रखी हैं गरारे के लिए उसको करें, तो ये है इसमें। बाकी एक चीज़ और मैं मानता हूँ कि कोरोना से ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है वो सरकार ने कोई फैसिलिटी इस तरह की नहीं है, जैसे हमारे पलवल के अंदर ही बताओ ऑक्सीजन क्या ऑपरेटर तक नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन के लिए बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, इसमें जब लोगों को सांस घुटता है दिक्कत होती है तो उसके लिए हम यहाँ से नल्लड़ रेफ़र कराते हैं, और नल्लड़ में जाके इतना ज़बरदस्त वहाँ पे कोरोना के पेशेंट वहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ भी दिक्कतें आती हैं, तो हम तो सरकार से भी अपील करेंगे कि कम से कम ऐसी इस टाइम पर हॉस्पिटलों के अंदर सारी सुविधाएँ मौजूद हों।
और जो कोरोना पेशेंट आ रहे हैं उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए। कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं, ये भी सब जानते हैं, एकदम से बढ़े हैं कोरोना पेशेंट। सावधानी लोगों को खुद अपनी करनी पड़ेगी, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये भी पालन करना होगा। बाज़ारों में भीड़ है, शाम को 6 बजे के बाद बाज़ार बंद हो जाने चाहिए, वो भी खुले हुए हैं, लोग परवाही नहीं करते इस चीज़ की। बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूँ कि लोगों की भी ये लापरवाही है कि लोग इस बीमारी को देखते हुए, हमें अपने आप पे अब काबू करना है क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो करना पड़ेगा। और फिर उससे बड़ी बात यह है कि अगर मान लो हमें थोड़ा लगता है भाई बाज़ार जाना है, किसी इमरजेंसी में हमें ज़रूरत है, तो तब हम निकले। अगर हम बाज़ार भी जाएँ तो मास्क वगैरह लगा के जाएँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और उस दुकान से सामान लें जिसके पास दस्ताने वगैरह हाथ में हो, मास्क लगा हुआ हो, और वहाँ भी दुकान को देख के उस फैसिलिटी के हिसाब से ही लिया जाए। हमारे बीच में रणधीर हिंदुस्तानी हैं, आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, हालांकि ये सामाजिक कार्यकर्ता अधिक हैं, पहले हैं पार्टी से, राजनीतिक पार्टी से बाद में जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तानी जी, जो कोरोना के पेशेंट कल 3 आए थे, आज 2 पेशेंट हैं जो कोरोना की वजह से डेथ हुई है, सावधानी भी बहुत ज़रूरी है। क्या कहेंगे कि पलवल का प्रशासन जो है सख्ती की पालना नहीं करा पा रहा है? नहीं देखिए, सख्ती की पालना प्रशासन तो अपनी तरफ से कोशिश कर भी रहा है लेकिन फिर भी पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें खुद ने भी समझदार होना होगा कि जब तक हम खुद नहीं करें, प्रशासन में कोई पुलिस वाला है या कोई प्रशासन वाला है, हर मार्केट, हर गली, हर घर में तो जा नहीं सकता। हर मार्केट में कल शाम को जब 6 बजे मार्केट बंद कराने के आदेश थे तो बहुत से लोगों ने कानून का पालन किया, बहुत से लोगों की दुकान, तो हमें खुद भी इस चीज़ में सचेत रहना है कि अगर बीमारी से बचना है तो कम से कम कानूनों का तो पालना करें या जो नियम है उनका पालना करें। जैसे अभी यूनिस भाई ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा एसी वगैरह से बचाव करें, अभी ठंडी जगह से बचाव करें, गर्म, जितने खाने पीने की इम्यूनिटी सही रखेंगे तो बचाव हो सकता है। बाकी प्रशासन तो अपनी तरफ से लगा हुआ है और अगर यही हाल रहे तो इससे भी बुरे हालत हो जाएगा अगर लोग नहीं समझेंगे तो। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि प्रशासन डंडे मारे, डंडे बरसाए, ऐसा नहीं, हमारा ऐसा इरादा नहीं है। लेकिन हमने अक्सर देखा है कोई भी नियम कायदा हो उसको पूरा का अमल कराने के लिए भी थोड़ा बहुत कहना पड़ता है प्रशासन को। प्रशासन का एक बच्चा होता है स्कूल में, टीचर से डर लगता है उसको, हमने मम्मी पापा से भी डर नहीं लगता, सेम कंडीशन वही है, यही है। तो प्रशासन को क्या करना चाहिए? प्रशासन को सख्ती करनी चाहिए हमारे हिसाब से। तो प्रशासन को ये सख्ती करनी चाहिए कि एक तो चालान, उसके अलावा वैसे भी सख्ती होनी चाहिए पुलिस की और उसकी भी, एक भाई जो नियमों का पालन नहीं कर रहे चाहे उनके चालान काटें, उनके खिलाफ सख्ती करें, मुकदमा दर्ज करें। और बाकी प्रशासन तो शुरू से ही ढीला रहता ही है मेरे ख्याल से, सरकार में ये हाल आज की बात थोड़ी है, ये शुरू से ही चला रहा है। हमारे साथ करुणामयी संस्था से ये मनोज छावड़ा जी हैं। मनोज जी, आज भी मैंने कल भी देखा था आपको यहाँ मोर्चरी के बाहर थे, आज भी ये जो 2 पेशेंट है, एक दिल्ली से एक गुड़गांव से, सुबह 8 बजे से इनको बुला रखा है प्रशासन ने, जिला अस्पताल, नागरी अस्पताल ने, उनको बॉडी तक नहीं दी अभी तक। अब भी बॉडी मिल रही है? अभी नहीं मिली, ये आपकी जानकारी के लिए बॉडी मिल रही है, अभी नहीं मिली। अभी नगर परिषद के कर्मचारी नहीं आए हैं, एम्बुलेंस के ड्राइवर नहीं आए हैं, 2 भाई बहन सुबह से धक्के खा रहे हैं। मैं समझोगे, मेरी छोटी बहन है एक तरीके से, मैं देख रहा हूँ उनकी परेशानी कि कितना परेशान है वो। उनके पिताजी का देहांत हुआ है और इस टाइम ना वो भावुकता ही ख़त्म हो गई है। पता नहीं हमारे देश में हुआ क्या, जो हो रहा था 70 सालों से बहुत अच्छा चल रहा था, वो सारा कुछ अचानक ख़त्म हो गया। यानी संवेदनशीलता कह रहे हैं आप, भावुकता? संवेदनशीलता बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। अब देखिए 2 शव हैं, परिजन खड़े हैं, कुछ हो नहीं रहा किसी प्रकार का। अभी आप देखिएगा 15-20 मिनट बाद देखिएगा तो भी हम जैसे ही, आपके जैसे ही, जो आप हमारे साथ प्रतिबद्ध हैं हर जगह, तो आप जैसे लोग ही इनका संस्कार में आगे आएंगे बढ़ चढ़ के। ये दिल्ली से एक शव है, गुड़गांव से, उनके परिजन गुड़गांव से आए हैं, दिल्ली से आए हैं। हमारे हिंदू परंपराओं में शव का संस्कार जब किया जाता है 4th दिन उसके फूल भी चुने जाते हैं, अस्थियों के फूल जिसको कहते हैं। बड़ी दिक्कत आएगी इनको। आपकी संस्था करोड़ों में संस्था है, उसमें क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि उनके फूल भी आप चुने? हाँ, और इनके परिजनों को बात मैंने आज फोन कर दिया उनको, जो मोर्चरी पोस्टमार्टम रूम के डॉक्टर हैं, हेड इंचार्ज हैं, उनको मैंने फ़ोन कर दिया। मैंने कहा मेरा नंबर सेव कर लीजिए, हमारी टीम का किसी का भी नंबर सेव कर लीजिए, उनके फूल चुनने के लिए हम आ जाया करेंगे।
और परिजनों को जब भी नंबर लेना हो, फूल लेने हो, कभी भी आ सकते हैं, 2 दिन में 3 दिन में 3 महीने में कभी भी आ सकते हैं। नहीं, जैसे लावारिशों का संस्कार करते हैं, फिर फूल भी चुनते हैं, उसको पोटली में बंद करके रखते भी हैं, फिर हरिद्वार प्रभावित भी करते हैं। इस बीच किसी का परिजन आ जाता है तो आप उसके फूल उनको सौंप देते हैं। ऐसा ही मेरा अनुरोध आपसे ये है कि जो जो बाहर के लोग हैं, आप कम से कम अगर चौथे दिन नहीं आ सकते हैं, इनका भी विधिवत तरीके से गंगा जल वगैरह जो भी अपना हिंदू रीति रिवाज होता विधिवत रूप। और हाँ, आपकी अपनी बात ही काट रहा हूँ, हिंदू का हिंदू रीति से होगा, मुस्लिम का मुस्लिम रीति से होगा, पूरा विधिवत अंतिम संस्कार होगा। हमारे साथ मुस्लिम समाज से यूनुस अहमद जी हैं। यूनुस अहमद जी, आपके पास प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं आप अपने मुस्लिम सभा के, जैसे कि मैंने इनसे करुणामयी संस्था से कहा है, मुस्लिम समाज से कोई भी कोरोना पीड़ित होता है, संक्रमित होकर अगर मौत भी होती है, तो देखो जिंदगी और मौत किसी के हाथ में नहीं है, तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। मुस्लिम समाज से अगर कोई बाहर का व्यक्ति गुजरता है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आपकी सभा उसके जो कर्म हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे मिट्टी दाग देना है, जैसे कब्र में देना उनको, उनकी मिट्टी का क्या कहते हैं उसको शब्द आप बता सकते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि देखो हम इस बारे में जानकारी नहीं रखते, लेकिन आप उस कार्य को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। भूटानी जी, कल मेरे पास मैसेज आया था, कल 3 डेड बॉडियाँ थी यहाँ परवल सिविल हॉस्पिटल में, तो एक परिवार के दिल्ली से कुछ आए हुए थे, उनके परिवार के लोग जिनकी डेड बॉडी थी, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी डेड बॉडी दिला दें, और मुस्लिम थे वो जिनकी डेड बॉडी आई थी। तो जब हमें पता चला तो हमने प्रशासन से बात की, SDM साहब वगैरह से बात की, उसके बाद में हमने अपना जो मुस्लिम समाज का रीति रिवाज है इस तरह से ही हमने कब्रिस्तान के अंदर पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन बाद में हमें पता चला कि वो डेड बॉडी उन परिवार वालों को दे दी थी, जबकि हमने सारा इंतजाम कर लिया था। बिल्कुल, जब इंतकाल हो जाता है तो उस दौरान उसके बाद जो मिट्टी देनी होती है वो आप कर सकते हैं अच्छी तरीके से। बिल्कुल, हमने पूरी तैयारी अपनी संस्था की तरफ से हमने की हुई है। कोई भी अगर इस तरह का मुस्लिम आता है तो हमने हॉस्पिटल में भी, कमेटी में भी, किरसन है, एक दूसरा जेई है, अमित नाम बताया था, उन दोनों को बाकायदा मैंने नंबर लिखवा रखा है वहाँ पे, और हमने अपने कब्रिस्तान का जो हमारा खसरा नंबर है वो भी हमने वहाँ पे नोट करा रखा है कि भाई इस कब्रिस्तान के अंदर हमारे यहाँ 2 कब्रिस्तान है, एक नूह रोड पर है और एक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के यहाँ। नूह रोड वाला जो कब्रिस्तान है वो स्पेशल हमने COVID-19 के लिए, हमने जो भी मुस्लिम समाज के जो लोग आएंगे उनके दफनाने की व्यवस्था हमने पूरी वहाँ की हुई है। JCB से करें, वैसे करें, उसी रीति रिवाज से हम करेंगे इसको। तो जैसा कि आपने देखा, 2 शव आज आए हैं, कल 3 शव आए थे कोरोना संक्रमित। स्थिति भयावह ना हो इसके लिए आपको खुद प्रयास करने होंगे, अपनी सेफ्टी खुद करनी होगी, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसकी पालना करनी होगी, सैनिटाइजर से लगातार बार बार हाथ भी धोते रहना चाहिए। और ये शव जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल जो शव का संस्कार करने के लिए ले जाया जा रहा है उसको आप देख सकते हैं, पूरी तरह से बॉडी पैक्ड है। ये कोरोना काल में इस प्रकार से जब शव का पूरी तरह से पैक करके परिजनों को भी नहीं सौंपा जाता, परिजन सिर्फ शामिल हो सकते हैं संस्कार में, और ये सामाजिक संस्था के लोग हैं, करुणामयी संस्था के अध्यक्ष मनोज छाबड़ा और रणधीर हिंदुस्तानी, ये भी सहयोग कर रहे हैं, ये शवों का जो अंतिम गति देनी होती है, अंतिम संस्कार करना होता है उसमें सहयोग करते हैं, एम्बुलेंस में शव को रखवा रहे हैं। शव भारी हो सकता है इसलिए इसमें चढ़ाने में दिक्कत भी हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें जो शव है कोरोना का जो संक्रमित होता है उसमें काफ़ी लोग, अधिक लोग हिस्सा नहीं लेते हैं, क्योंकि प्रिकॉशंस गाइडलाइंस की भी पालना करनी होती है। एक बार फिर से बता दूं मैं आपको, अपना बचाव आपने खुद करना है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसकी पालना करनी है, बाजारों में भीड़ बिल्कुल नहीं लगानी है, आवश्यकता हो तो घर से बाहर निकलें, अन्यथा बाहर ना निकलें, क्योंकि कोरोना की जो दूसरी लहर है वो काफ़ी घातक साबित हो रही है। ज्योति खंडेलवाल के साथ मैं सतीश भूटानी, नागरिक अस्पताल पलवल की मोर्चरी से।